नमस्ते मित्रों, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, यह जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, यह हम हर वर्ष 5 जून को मनाते हैं और इसकी शुरुआत यूएन ने 5 जून 1974 को की थी। वैसे तो हम लोग यह दिन हर वर्ष इसलिए मनाते हैं ताकि हम पर्यावरण के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक हों, पर कोरोना वायरस के आने के बाद से तो इस दिन का महत्व और प्रासंगिकता दोनों ही बढ़ चुके हैं। तो चलिए अब पर्यावरण इस शब्द का सटीक अर्थ जानते हैं। पर्यावरण जो शब्द है, इसका निर्माण दो शब्दों को जोड़कर हुआ है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है जो हमारे चारों ओर है, और आवरण का अर्थ होता है जिसे हम हर क्षण घिरे हुए हैं, यानी कि हम इस संसार का हर जीव हर क्षण पर्यावरण से घिरा हुआ है। पश्चिम जगत ने तो पर्यावरण का महत्व अभी अभी समझा है, परंतु हमारे संस्कृति व साहित्य में ऋषि मुनियों ने पर्यावरण का महत्व एक बड़े व्यापक रूप में बता दिया था। हमारे ग्रंथों में पर्यावरण को पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व भी कहा है, जो कि है पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। और हमारा शरीर भी इन पंच तत्वों से बना है, और इसलिए हम प्रकृति से इतने जुड़े हुए, और इसलिए यदि प्रकृति की हानि व नाश होगा तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भी हानि व हमारा भी नाश होगा। इसलिए यदि प्रकृति भी फलेगी फूलेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, वो फलेंगे वो फूलेंगे। और हाँ, इसी कारण से आदि काल से हम प्रकृति को देवता का स्थान देते आए हैं, वो उसे पूजते आए हैं, जैसे कि सूर्य देवता, वरुण देवता, वायु देवता, जल, वृक्ष, जीव जंतु, इनको हम देवता की तरह पूजते। अब देवता का अर्थ क्या? देवता यानी जो सिर्फ निस्वार्थ भाव से केवल देता है, जैसे कि हमारी नदियाँ जो निस्वार्थ भाव से हमें शुद्ध जल देती है, हमारी फसलों के लिए पानी देती है, जैसे कि वृक्ष जो हमें फूल देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, हमारे लिए प्राण वायु देते हैं। इसलिए हम आदि काल से इन्हें पूजते आ रहे हैं, और शायद इसी कारण से आज भी घर की स्त्रियाँ कई विशेष त्योहारों पर वृक्षों को पूजती हैं। हम आज भी हमारी नदियों को पूजते हैं, वह उन्हें हमारी माँ का स्थान देते हैं। और हाँ, हमारी संस्कृति में पर्यावरण केवल वृक्षों तक, पेड़ पौधों तक या नदियों तक ही सीमित नहीं है। हमारे यहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं, हमने उन्हें भी एक पर्यावरण का हिस्सा माना है। हम गायों को भी पूजते हैं, उसे हमारी माँ का स्थान देते हैं, और इसी प्रकार हम कई अन्य जीवों को भी पूजते हैं। अभी हमें हमारा कर्तव्य केवल इन्हें पूजने तक व एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमें हमारा हर रोज़ एक पर्यावरण दिवस की तरह मनाना है। हमें प्रकृति प्रेमी बनना है। अब इसके लिए हमें यह एक संकल्प लेना होगा कि हम हर वर्ष हमारे जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं, और ना ही उसे लगाएं बल्कि उसे बड़ा भी करें। और हमें यह भी संकल्प लेना होगा कि हमारे आसपास जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी जलाशय हैं, हम उन्हें स्वच्छ रखें। हम हमारे आसपास के वातावरण को, आसपास की हवा को शुद्ध रखने का प्रयास करें। तो चलिए, हम इसी संकल्प के साथ आज का ये वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्र व परिवारजन भी यह संकल्प ले, तो यह वीडियो आप उनके साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रकृति रक्षित और रक्षित, इसका अर्थ तो अब आपको पता चल ही चुका होगा।